तो गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Realme 7 Pro डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट फिर से मिलना स्टार्ट हो गया है। तो गाइज इस अपडेट का आपको फाइल साइज कितना देखने के लिए मिला है एंड गाइज इस अपडेट में आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है एंड गाइज इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि जिन Realme 7 Pro डिवाइस के यूजर्स को अभी तक Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट ऑफिशियल वर्जन देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइज उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज अगर आप भी Realme 7 Pro डिवाइस के यूजर्स अगर आप वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस Realme 7 Pro डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है C.24 का। तो गाइस अगर आप ये Realme 7 Pro डिवाइस के यूजर्स अगर आपको अभी तक C.24 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है तो गाइस आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके आप ये अपडेट को चेक कर सकते हैं एंड गाइस अगर आपको अपडेट देखने के लिए मिल गया तो गाइस आप अपने Realme 7 Pro डिवाइस को C.24 में अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करें अगर इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो गाइज इस अपडेट का फाइल साइज आपको 192 MB देखने के लिए मिला है यानी कि गाइज आपको यहाँ पे फाइल साइज जो है सो ठीक ठाक यानी कि मीडियम साइज में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ज़्यादा आपको फाइल साइज बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर बात करें गाइज यहाँ पे कि C.24 के अपडेट में आपको क्या क्या न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है Realme 7 Pro डिवाइस में तो गाइज जो चेंजेस देखने के लिए मिला है वो है फिक्स द सम नॉन इशूज एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम परफॉर्मेंस यानी कि आपके डिवाइस में जो छोटे मोटे बग्स थे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है एंड गाइज इम्प्रूव्ड कर दिया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस को। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो आपके Realme 7 Pro डिवाइस में छोटे मोटे बग्स थे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। खैर गाइज अगर आप अपने Realme 7 Pro डिवाइस को C.24 में अपडेट कर लिए तो गाइज आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके डिवाइस में जो छोटे मोटे बग्स थे वो फिक्स हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर गाइज अभी आप Realme 7 Pro डिवाइस को C.24 में अपडेट किया है या फिर नहीं किया है। तो गाइज अब बात आता है कि जिनका Realme 7 Pro डिवाइस अभी भी Android 10 में अपडेटेड है तो गाइज उन्हें Android 11 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज वैसे आपको मालूम होगा कि Realme 7 Pro डिवाइस में Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट ऑफिशियल वर्जन मिलना स्टार्ट है। तो गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को आप चेक करते रहना क्योंकि गाइज यहाँ पे मिलना स्टार्ट है। तो गाइज यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहेंगे तो गाइज आपको जैसी अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइज आप अपने डिवाइस को Realme UI 2.0 का स्टेबल अपडेट ऑफिशियल वर्जन में अपडेट कर पाएंगे अगर आपका डिवाइस अभी भी Android 10 में अपडेटेड है। तो गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, आप अपडेट को चेक करते रहना। तो गाइज आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका डिवाइस Realme 7 Pro Android 10 में अपडेटेड है या फिर गाइज Android 11 में अपडेटेड है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर गाइज आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।